द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थिकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गः प्रकीर्तितः उक्तान्येतानि नमामि ब्रह्मणेव महात्मना। पिंडस्प्रवरारूढा चंडकोपास्त्रकेर्यतु प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ चंद्रघंटा जी को प्रणाम। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधन किया जाता है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्रमा है, इसीलिए इन देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इन देवी के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य शस्त्र शास्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी, इन देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव देवते और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा का महत्व है। इन देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इन देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करनी चाहिए। इससे सारे कष्टों में मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। चंद्रघंटा माता भगवती का तीसरा रूप है। यहाँ जीव में वाणी प्रकट होती है जिसकी अंतिम परिणति मनुष्य में बैखरी वाणी है। ऐसी माता चंद्रघंटा जी को मैं प्रणाम करता हूं। आयुर्वेद नवदुर्गा नौ देवियों के विषय में बताते हैं कि नौ देवियां इस सभी नौ प्रकार की औषधियों को प्रदान करने वाली है। चंद्रघंटा माता द्वारा प्रदान की गई औषधि चंदूसूर है। यह एक ऐसा पौधा है जो धनिये के समान होता है। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद है, इसीलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। जय माता चंद्रघंटा जी की जय।